सब्सक्राइब करें मेरे चैनल माय डीआईवाई हब को और मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कैसे आप घर पे इजीली हैंडमेड मेल्टेड कोर सोप्स बना सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। और ये वीडियो एक कोलैबोरेशन है मेरा सोपी ट्विस्ट के साथ, जो कि एक यूनिक वेबसाइट है जिसमें आपको होममेड स्किन केयर के सारे रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक कोलैबोरेशन है जिसमें इन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए भेजा था और मैंने इनके सोप बेसिस से, जिसको मैंने ट्राई किया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इससे मुझे, बहुत अच्छे सोप्स बने हैं घर पे। अगर आप नेचुरली क्रिएटिव हैं तो सोपी ट्विस्ट इज अ मस्ट विजिट फॉर यू। ये एक वेबसाइट है जिनमें सारे नेचुरल रॉ मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे होममेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। आइए थोड़ा मैं आपको इनकी वेबसाइट दिखा देती हूँ। ये है sopitwist.com, जहाँ आपको सारे एसेंशियल्स मिल जाएंगे अगर आप होममेड स्किन केयर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, फ्रॉम शिया बटर टू एक्टिवेटेड चारकोल। अगर आपको बॉडी वॉश बनाना है, फेस वॉश बनाना है, उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स जो रॉ मटेरियल्स हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ज़रूर एक बार चेकआउट करें इस वेबसाइट को, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं आज आपको दो तरह के साबुन बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने लिया है क्लियर ग्लिसरीन वाला बेस, इससे मैं केसर चंदन सोप बनाऊंगी। इससे आपको क्लियर सोप मिलेगा, जैसे पियर्स का सोप आता है मार्केट में, उस टाइप का सोप होगा ये, जिससे मैं केसर चंदन के साथ बनाऊंगी। सोप बेस ओरिजिनली एक ब्लॉक में आता है जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ब्लॉक एक रेक्टेंगुलर शेप में आया था, ऐसा जैसा आपके आपको दिख रहा है, और इसे मैंने कट कर लिया है ताकि मेल्टिंग में वो ज़्यादा इजी हो जाए। मैंने यहाँ पे करीब 300 ग्राम सोप बेस लिया है और इसे मैंने टोटल 90 सेकेंड्स के लिए मेल्ट किया है। 30 सेकेंड्स के बाद मैंने चेक किया है हर बार इसको। इसके बाद मैंने जो इंग्रेडिएंट लिया है वो है सैफरन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केसर चंदन सोप बनाऊंगी मैं, तो मैंने सैफरन लिया है यहाँ पे। ये इंग्रेडिएंट फेयरनेस को एनहांस करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद मैंने लिया है चंदन का पाउडर। आप हाई क्वालिटी चंदन पाउडर जितना यूज करेंगे उतना अच्छा है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इजीली कोई भी शॉप पर मिल जाएगा। और जो इंग्रेडिएंट्स आपको सोप मेकिंग के लिए इजीली नहीं मिलता है, जैसा कि मैं ये सैफरन का जो फ्रेग्रेंस है वो यूज़ करूँगी सोप में, तो ये आपको सोपी ट्विस्ट के वेबसाइट पर मिलेगा। और सोपी ट्विस्ट के वेबसाइट के अलावा आपको अमेजोन पे भी इनका सामान मिलेगा। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब केसर चंदन सोप है तो थोड़ा ऑरेंज कलर होना बनता है। ये सोप कलर भी आपको इजीली इनके वेबसाइट यानी sopitwist.com पे तो मिलेगा ही, साथ ही साथ Amazon पे भी मिलेगा, और सारे लिंक्स मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम्स सोप बेस को, मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। एक माइक्रोवेव जग लिया है मैंने, ग्लास जग जो माइक्रोवेव सेफ है, और मैं इसे अब 90 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करूंगी। हर 30 सेकेंड्स के बाद आपको चेक करना है, अगर आपका जल्दी हो जाए तो आप और मेल्ट ना करें। मेल्ट होने के बाद या पिघलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा आपका सोप बेस। अब आपको इस पर जल्दी से काम करना है, इससे पहले कि ये सॉलिड फॉर्म में आ जाए। इसमें मैंने डाला है 2 चुटकी के करीब सैफरन या केसर के पत्ते, और ये ऑलरेडी गर्म है तो इसीलिए मैंने सैफरन को पहले से सोप नहीं किया था। ये अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा क्योंकि सोप बेस ऑलरेडी हॉट है। आपको बस एक बार अच्छे से मिला लेना है और फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालना है हमें। यहाँ पे मैंने 1.5 से 2 चम्मच के करीब सैंडलवुड पाउडर या चंदन का पाउडर डाल दिया है, और अच्छे से मिला लें इसको, क्योंकि इसमें लम्स फॉर्म हो सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखें कि कोई भी गुठलियाँ ना रह जाए इसमें।
अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी सैफरन का फ्रेग्रेंस करीब 15 से 20 बूंदें। अब इसमें मिलाना है कुछ बूंदे ऑरेंज कलर का, यहाँ पे मैंने 5-6 बूंदे डाले हैं, आप कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले और अब आपको अपना सोप बेस तैयार रखना है इसे पोर करने के लिए। मैं सिलिकॉन सोप मोल्ड यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है और आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप डिस्पोजेबल ग्लासेस यूज कर सकते हैं इस टाइप के अपने सोप्स को सेट करने के लिए। अब मैं इस लिक्विड को सारे सोप मोल्ड में पोर कर दूंगी धीरे धीरे और लास्ट का एक सोप मोल्ड मैं डिस्पोजेबल ग्लास में सेट कर लूंगी। अगर आप जल्दी इन्हें सेट करना चाहते हैं तो फ्रिज में रख दे आधे घंटे के लिए या फिर 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दे। अब नेक्स्ट सोप में बनाना दिखाऊंगी, ये है गोट्स मिल्क बेस जो कि है बकरी के दूध से बना हुआ और ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। इसे भी करीब मैंने 300 ग्राम ले लिया है और इसे भी उसी तरह से मेल्ट करना है आपको। ये भी एक ब्लॉक में आया था और मैंने इसे छोटे क्यूब्स में काट लिया है ताकि ये अच्छे से पिघल जाए माइक्रोवेव में। ये सोप बेस भी आपको सोपी क्विस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा और अमेज़न की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं एक दूध बादाम सोप बना रही हूँ जिसके लिए मैंने आलमंड यानी बादाम का फ्रेग्रेंस लिया है। ये भी अगेन आपको इनके वेबसाइट पे मिलेगा या फिर अमेज़न का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। बादाम दूध का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए और फिर मैंने बादाम का तेल भी यूज किया है इसमें ताकि थोड़ा मॉइस्चराइजेशन भी मिले स्किन को और स्किन बिल्कुल डल और ड्राई नहीं रहेगी, एकदम नरिश दिखेगी आपकी स्किन। नेक्स्ट मैंने इसमें यूज किया है आलमंड का पूरा, बादाम को मैंने कूट लिया है, आपको एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका। ये बेसिकली मैंने यूज किया है एक्सफोलिएशन के लिए, साबुन में अगर मैं ये डाल देती हूँ तो फिर ये एक्सफोलिएशन एजेंट की तरह काम करेगा, साबुन कम स्क्रब की तरह। अब अगेन सेम प्रोसेस में हमें ये सोप बेस को भी मेल्ट कर लेना है 90 सेकेंड के लिए, लेकिन हर 30 सेकेंड के बाद आप चेक करें क्योंकि सबके माइक्रोवेव्स अलग होते हैं। आप चाहे तो डबल बॉयलर पे भी पिघला सकते हैं इसे। पिघलने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक मिल्की वाइट लिक्विड बन गया है। अब अगेन आपको जल्दी से काम करना है इसे पहले कि ये सॉलिड फॉर्म में वापस आ जाए। यहाँ मैं बादाम का पूरा डाल रही हूँ, करीब 3-4 चम्मच मैंने लिए हैं यहाँ पे और मैं इसमें डाल के मिक्स कर रही हूँ इसे अच्छे से। इसके बाद आपको डालना है आलमंड का ऑयल 1 बड़ा चम्मच, ये स्किन नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा है तो आप बिल्कुल इसे स्किप ना करें। नेक्स्ट मैं आलमंड का फ्रेग्रेंस जो है वो डाल रही हूँ इसमें करीब 15-20 बूंदे, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बादाम दूध सोप है इसीलिए मैं इसमें कोई कलर नहीं डालूंगी, ये वाइट है और वाइट ही खूबसूरत दिख रहा है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे सोप मोल्ड्स में डालने वाली हूँ। अगर आप सोप मोल्ड्स खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप एज यूजुअल डिस्पोजेबल ग्लास जो प्लास्टिक के ग्लासेस आते हैं उसमें भी अपने सोप्स को सेट कर सकते हैं। अब लिक्विड से सारे सोप मोल्ड्स को भर दें और फिर इन्हें रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए छोड़ दें आधे घंटे के लिए या फिर 1-2 घंटा ऐसे ही छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे, या अपने आप सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको डीमोल्ड करना है जब ये सेट हो जाए। अगर सिलिकॉन मोल्ड यूज करें तो पीछे से बस उस कैविटी को पुश करिए और आपका सोप इस तरह से निकल के आ जाएगा बाहर। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सोप बना है और ऐसे स्किन पे यूज करना बहुत ही बेनिफिशियल है, एटलीस्ट ये केमिकल फ्री है एंड आप जानते हैं कि आपने इसमें क्या डाला है। ये जो मैंने डिस्पोजेबल ग्लास में सेट किया था एक सोप, उसे भी मैं सीजर से काट के निकाल लूंगी और आप देख सकते हैं इस तरह का वो बन के आया है। सोप को स्टोर करने के लिए मैं क्लिंग फिल्म या प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे सोप्स अच्छे रहेंगे। इसे आपको इसी तरह से बस रख देना है क्लिंग रैप पे और चारों तरफ से उसे बस अच्छी तरह से पैक कर ले।
इस सेम प्रोसेस में हम अपने सारे दूध बादाम सोप्स को भी अनमोल्ड करेंगे और उसके बाद क्लिंग रैप में पैक कर लेंगे। तो फाइनली मेरे दोनों सोप्स बन के तैयार है, दूध बादाम सोप और केसर चंदन सोप। ये नेचुरल सोप्स बहुत ही अच्छे हैं स्किन के लिए, आप जरूर ट्राई करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज इन्हें लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बाय गाइज।